तो हेलो जी गाइस, कैसे हो यार। अभी अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी बारिश शुरू हो गई है, कहीं पर रुकना पड़ेगा। अरे यार बेकार ही है मैं आज। तो गाइस आज मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ और जा इसी दे रहा हूँ क्योंकि काम है, जूते का काम कराना आज। तो लग रहा है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं निकल जाता हूँ, जैसे मैं निकल रहा था वैसे ही मौसम चेंज हो गया है और अब बारिश भी शुरू हो गई। तो देखो भाई ऐसा कुछ है, मैंने फ़ोन भी आज ढंग से नहीं लगाए। और आए गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आज ये टेप लिया था, ये वाला टेप है, 20 रुपये का टेप है। अल्लाह बाबू क्या हो गया है, गिर गया है मेरा सामान। ये देखो मेरा थैला भी गिर गया जिसमें मेरे जूते थे, बढ़िया है। चलो कोई नहीं यार, कहते हैं ना जब होना होता है बुरा तो हो जाता है साथ ही। बस ऐसा लग रहा है कम हो गई है थोड़ी। वैसे अभी 5 मिनट हो गए मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ नींबू चौड़ में, अभी बीच में तेज़ हो गई थी काफ़ी और अब हो गई है थोड़ी सी कम हो गई है, तो निकल सकते हैं अब चलते हैं। अरे यार अभी सब ने साथ ऐसे पकड़ के लेना पड़ेगा यार, बड़ी दिक्कत हो गई गाइस। सुबह भी बारिश, दिन में भी बारिश और अब शाम को भी हो गई बारिश, 3 टाइम हो चुकी है आज बारिश। और ये कर ये रही है कि लोगों का टाइम ख़राब कर रही है भाई, मतलब लोग समझ रहे हैं कि बारिश अब नहीं आएगी। सुबह भी लोगों ने ऐसा समझा कि सुबह हो गई, दिन में ये हो गई, दिन को निकल गए बाहर, दिन में भी हो गई बारिश। फिर जो लोग दिन में भी अंदर थे उन्होंने सोचा चलो सुबह हो गई दिन में हो गई, अब शाम को नहीं होगी। अब वो शाम को बाहर निकल गए मेरे जैसे, अब जैसे मेरे को पता लगा कि देखो अब बारिश भी हो गई। ऐसा बारिश मेरे को पसंद नहीं आती यार गाइस, या तो बारिश वो वाली मस्त होती है जो सुबह से लेकर पूरे शाम तक होती रहे। भाई ये करना है इसमें, ये चिपकाना है बस ये, इसका भी निकलना हल्का हो रहा है ना थोड़ा। इसका कैसा है, इसमें भी इसका कैसा है, इसका अभी गोंद ठीक है। हाँ ये तो है, हाँ ये पूरा हटा के चुका है ये, एक ही है ना। हाँ एक ही है, अस्सी हो जाएगा दोनों का। हाँ क्या बात कर रहे हैं यार, अस्सी ये पूरी सिलाई मानी है, ये तो मैं जो पिछले बार कराया था 15 का कराया था सिलाई। हाँ अरे कसम से बोल रहा हूँ 15 की कराई थी सिलाई, तुमने कहीं और कराई तो मैं नहीं कह सकता। अब अभी कराई है, ऐसा भी नहीं है पुरानी कराई थी। चिपका के ना तब पूरी सिलाई मारना। अरे सही बोलो ना यार भैया, वो आ सही है तुम्हारी, उसमें काम ज़्यादा है आज, वो है चिपकाना मेरे को। 50 का कर दो आप, 10 रुपये कम दे देता हूँ मैं, 50 का। हाँ ठीक है, आओ थोड़ी देर में आ जाऊँगा ना। मेरी सिलाई देखना और ये वाली सिलाई देखना तुम अपनी वजह से। अरे ना ये बात कह रहे हो, नहीं बात नहीं, आप करते हो सही काम, ऐसा नहीं है, आप आपसे कराता हूँ मैं काम, करो करो। तो गाइस ये हमारा है डे, ये हमारा लालबत्ती का है, लालबत्ती का इलाका है ये, और आप देख सकते हो लालबत्ती के सामने इस समय ट्रैफिक इस समय वैसे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आज बारिश हो गई तो लोग कम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भाई ये जो टाइम है ना मैं आपको बता देता हूँ कितना हो रहा है, मेरा इसका देखो यार मैं ले जाऊंगा कैसे, मुझे समझ में आ नहीं रहा है, बन तो जाएगा
तो गाइस टाइम दिख रहा होगा अगर आपको 5:30 हो रहे हैं। जी गाइस यहाँ पर नई सब्जी मंडी में आ गया हूँ मैं। बारिश यहाँ भी देखो छप्पर से पानी छू रहा है। बारिश बारिश है। ओह मैंने सोचा यार जब बारिश है तो यहाँ पर सब्जी मंडी है तो कुछ कंटेंट कंटेंट बना लेते हैं। हाँ भैया कैसे हो? टमाटर का भाव क्या चल रहा है आजकल? 120 ये वाले, ये सब 120 के। तो क्या हो रहा है, मतलब बिक्री तो कम हो गई होगी टमाटर की? तो गाइस देखो यार 120 रुपए के टमाटर चल रहे हैं यहाँ पर। आलू कद्दू अभी यहीं पर ही खड़ा हो रहा था मैं, अभी चलते हैं वहाँ पर अपना मोची भाई के सामने। अगर हम फेविक्विक लगाएंगे तो उससे तो नहीं चिपकेगा ना। ये वाला कौन होता है भाई साहब? ये अरे भैया आप तो काफी पुराने होंगे ना यहाँ पर। हाँ। कितने साल हो गए लगभग आपको? 20 साल। भैया ने बढ़िया ये कर रखा है, छत लगा रखा है यहाँ पर, वो काम कर रहे हो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो गाइस जो मैंने वो ब्लॉग बनाया था करार घाटी वाले का, उससे हुआ था, उस समय निकल गया था। निकल गया ना? हाँ। कितना चलता है? पानी में थोड़ा, पानी में ना, पानी में निकलता ज़्यादा। अच्छा हाँ, मैं रोक खड़ में गया था उस दिन। पानी में निकलता, पानी जैसे असमतल जो जगह होती है ना जैसे, उसमें ज़्यादा निकल गया। उसमें फट गया ये बरसात के समय हो गया, हो गल गया। फिर क्या ले जाओ? हाँ ना नहीं है, डाल दो ऐसे डालो। मैं ऐसे कहूँ जूते तो क्या अभी कब हो गए? ये तो बस हो गया, तो मैं पहन लेता हूँ इन्हें। इन वाले पहनो, बारिश में बताना, पहन चप्पल ही पहन के जाओ बारिश में पहने। और जितना रखा रहेगा ना थोड़ा सा और जाके ऐसे करके रख। हाँ तो रख, ठीक है। अभी बारिश पड़ी ना थोड़ी, ठीक हो जाएगा। चित्रे निकल गए इसके चित्रे। कोई बात नहीं, ले जाऊंगा मैं। लगा तो बना हुआ इसमें? हाँ बना हुआ है। तो गाइस ये फट गया है पूरी तरीके से, बस उन्होंने यहाँ पर धागे से बांध दिया है चारों तरफ से, तो नहीं गिरे गए। बाकी जो खड़ा देख रहे हो ना उसका तो चित्रे उठ गए चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं इस रोड में आ रहा हूँ, ये कॉलेज वाली रोड है, बाजार से निकलती आगे कॉलेज है। और यहाँ पर मैंने अपनी बाइक रोक दी है। गाइस हुआ ये देखो पूरा झड़ गया है, और ये जूते चप्पल जो है मैंने ऐसे रख रखे हैं। तो यार यहाँ पर मैं कोई पॉलीथीन ढूंढ रहा हूँ, पॉलीथीन मिल जाएगी यहाँ पर? फोकस भी नहीं बन रहा है गाइस बारिश में। तो गाइस क्या करें यार, फोन भी भीग रहा है, सब कुछ भीग रहा है, मैं खुद भीग गया देखो पूरा ऊपर से नीचे तक भीग गया। तो गाइस बड़ी मुश्किल से वहाँ पर से मैं ला रहा हूँ, अमेजोन का पैकेट है, इसमें डाल देता हूँ मैं अपने जूते वगैरह, तब दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ डाल दिया मैंने,
और गाइस एक चीज़ माननी पड़ेगी, अमेजोन का जो अमेजोन का नहीं है, मिंत्रा का है ये पार्सल। और इसमें मतलब भाई ये फटता नहीं है, इस अच्छी क्वालिटी का है, बारिश में भी ठीक बना रहेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया इसमें। और ज़रूरत गाइस मेरे को एक इस चीज़ की इसलिए भी है क्योंकि मेरे जो यहाँ पर मैंने गोंद लगा रखा है अपने जूते के नीचे चिपका रखा है गोंद से, तो बारिश में वो निकल जाएगा और निकलने भी लग गया है, मैंने अभी देखा हो तो कम से कम थोड़ा बचा रहेगा घर तक, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और बारिश तो गाइस यार क्या बताऊँ, बारिश पहले से तो कम हो गई है लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, अगर घर जाऊँगा तो फ़ोन का ख़राब होने के चांसेस काफ़ी बने हुए, इसलिए मैंने दूसरा फ़ोन निकाल दिया है। तो चलते घर। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।